लेसन नंबर फोर कार्बन कंपाउंड्स। अब देखिए इसमें सिंबल क्या होता है इसका। देखिए यहां पर कार्बन का सिंबल होता है कैपिटल सी। ओके, इसके बाद से कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन वो होता है कितना, सिक्स। और देखिए यहां पर बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ये होता है कितना, 12। ठीक है ना, इसीलिए जो इसका जो इंडिकेशन होता है कार्बन का वो देखिए ऐसे होता है, इंडिकेशन ऑफ कार्बन, इंडिकेशन ऑफ कार्बन इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, 6C और 12। जो दिख रहा है वो नीचे ये हमारा होता है एटॉमिक नंबर, सिंबल क्या होता है नंबर का, जेड। और जो ऊपर लिखा होता है 12, ये हमारा होता है एटॉमिक मास, सिंबल इसका होता है ए। ठीक है ना, तो ये मान लीजिए यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स हैं, सिंबल है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है और इसका इंडिकेशन है। ठीक है, इसे कॉपी करिए जल्दी फटाफट, फिर हम पढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहां पर इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग बॉन्डिंग इन कार्बन, बॉन्डिंग इन कार्बन। अब देखिए यहां पर कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, इसके लिए देखिए बॉन्डिंग कैसे बनती है अभी आपको बताएंगे। पहले यहां पर देखिए बॉन्डिंग इन कार्बन में आपको पढ़ना है कि इसमें जो बॉन्ड बनता है वो हमारा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है, ये बनता कैसे है, बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है जो बॉन्ड उसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। एक और बॉन्ड होता है इसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड ये होता है बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, शेयरिंग होता है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों ही एटम के पास रहते हैं। आपको देखिए दिखाते हैं एग्जांपल से, एग्जांपल देखिए इसका, जैसे मैंने आपसे पर बोला CH4 होता है मीथेन, ये हमारा होता है मीथेन। ओके, अब देखिए मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन के जो बॉन्डिंग नेचर है वो ऐसे है, कार्बन एक रहेगा और यहां पर चार यहां पर रहेंगे हाइड्रोजन, ऐसे करके। और यहां पर देखिए अगर बात करें अगर बॉन्डिंग की, तो देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में चार होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3 और 4। इसके पास होगा 1, 2, 3 और 4। तो ऐसे देखिए यहां पर इसका पूरा ऑक्टेट बन जाता है, पूरा इसका ऑक्टेट। और बाकी हाइड्रोजन देखिए ऐसे बनता है ऑक्टेट, ये है हमारे हाइड्रोजन के ऑक्टेट। तो इस तरह से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड अभी आपको इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। कोवेलेंट देखिए बॉन्ड क्या होता है, जिसमें एक एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, उसी एलिमेंट के पास उसके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और उसके अलावा वहीं पर रह के वो दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। देखिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है ना, तो यहां पर क्या पढ़ा हम लोगों ने, बॉन्डिंग इन कार्बन। और इसके अलावा जो आयनिक बॉन्ड है, इसे खाली सेंस में रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मतलब कि एक एलिमेंट से कंप्लीटली दूसरे एलिमेंट में चले जाते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए आप यहां पर हाइड्रोकार्बन टॉपिक, इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए यहां पर थर्ड यहां पर हेडिंग है प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। देखिए इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है, तीन प्रॉपर्टीज की मेन है। देखिए पहली प्रॉपर्टी, दे आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, मॉलिक्यूलर इन नेचर यानी कि ये हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में होंगे। एग्जांपल देख लीजिए इसका, एग्जांपल जैसे आपसे मैंने बोला CH4 ये मॉलिक्यूल है, मैंने आपसे बोला C2H2 ये भी बात हमारा क्या मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं मीथेन, ये हमारा होता है इथाइलिन। अभी आपको बता देंगे कि इसका नाम मीथेन और इसका नाम इथाइलिन कैसे पड़ा, वो भी आपको भी आ जाएगा। फिलहाल के लिए अभी देखिए यहाँ पर एग्जांपल, तो पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या होती है कोवेलेंट कंपाउंड की, कि दे आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। देखिए दूसरा यहां पर क्या होता है, नंबर बी, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि ये पानी में घुलने पर नहीं घुलते हैं, बट सॉल्युबल इन केरोसिन और बेंजीन और एक और ले लीजिए आप यहां पर पेट्रोल।
मतलब कि जो भी हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होंगे वो वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होंगे, मतलब वाटर में घोलेंगे उन्हें तो वो डिजॉल्व नहीं होंगे, लेकिन अगर केरोसिन ऑयल है मतलब मिट्टी का तेल, या फिर बेंजीन है या फिर पेट्रोल है, अगर उसमें हम डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए आप तीसरा पॉइंट, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहां पर क्या कि अगर इनसे हम चाहेंगे ना कि अगर इनसे अच्छी क्वांटिटी में करंट फ्लो हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए तीन प्रॉपर्टी है ए बी सी, इसे अच्छे से कॉपी करिए, फिर हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर फोर। अब देखिए यहां पर पॉइंट नंबर फोर है हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है ना, चलिए मैं आप लिख दे रहा हूं हाइड्रोकार्बन ये क्या होता है। दोज कंपाउंड्स, ध्यान दीजिएगा, दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। मतलब यहां पर क्या बोला गया, बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से देखिए यहां पर क्या लिखा है, दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। देखिए नाम से लग रहा है आपको, देखिए यहां पर क्या लिखा है, हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें क्या क्या हो, हाइड्रोजन और यहां पर क्या हो, कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन हो और यहां पर क्या हो, कार्बन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन भी हमें पढ़ना है, तो वो देखिए यहां पर पांचवा पॉइंट यहां पर है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन के टाइप कितने होते हैं, हाइड्रोकार्बन देखिए दो तरह के होते हैं, पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए यहां पर कैसे कैसे, पहला पॉइंट यहां पर पहला हमारा होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और यहां पर जो दूसरा इसका पार्ट है, टाइप है, वो है हमारा अनसैचुरेटेड, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए शॉर्ट में इसको मैं ऐसे बोलूंगा, सेट हाइड्रोकार्बन और अनसेट हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हाइड्रोकार्बन के दो यहां पर टाइप है कि पहला सेट और दूसरा अनसेट। अब यहां पर ये पढ़ना है कि सेट हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसेट हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स कॉपी कर लीजिए, फिर पॉइंट नंबर सिक्स में हम टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हेडिंग नंबर सिक्स है यहां पर सेट हाइड्रोकार्बन, देखिए होता क्या है, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन टू कार्बन। चलिए ऐसे लिख रहा हूं मैं, कार्बन टू कार्बन एटम, मतलब कि दो कार्बन एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे, सेट हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। अब देखिए एग्जांपल इसका, पहले देखिए हमारा पहला एग्जांपल है मीथेन, देखिए इससे फॉर्मूला होता है CH4। एग्जांपल दिखा दीजिएगा आप, यहां पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन, चलिए मैं एग्जांपल का चेंज कर रहा हूं, मीथेन के प्लेस पर लिख दिया मैंने इथेन, ठीक है ना, यहां पर C2H6। अब देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए आप ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ इथेन C2H6, देखिए यहां पर दो कार्बन है C2 और यहां पर छह हाइड्रोजन है। ध्यान से देखिए इसमें कि दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कार्बन के अलावा एनदर एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, हमें अगर हाइड्रोकार्बन की पहचान करनी है तो हमें बस ये देखना पड़ेगा कि
दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर सेकंड इसका प्रोपेन। मैं बैठो C3H8। यहाँ पर देखिए तीन कार्बन है, एक दो और तीन, और आठ हाइड्रोजन, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। देखिए यहाँ पर दोनों एग्जांपल देखिए, यहाँ पर कार्बन टू कार्बन कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं सेट हाइड्रोकार्बन। कॉपी करें जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर बी पार्ट है इसका, अनसेट हाइड्रोकार्बन। देखिए यहाँ पर अनसेट हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसी का उल्टा है। दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच डबल और यानी कि या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन टू कार्बन एटम। मतलब कि इसमें दो कार्बन एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम बोलेंगे अनसेट हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इसे एग्जांपल देखिए, आप ध्यान से एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर वन, पहला देखिए एग्जांपल इसका दिखा रहे हैं आपको C2H4। इसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन, इसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन। ये एथिलीन का केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एथिलीन का जो फॉर्मूला है C2H4, अगर इसको एक्सपॉन्ड करते हैं, मतलब इसको अगर ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए कैसे, देखिए दो कार्बन है और चार हाइड्रोजन, 1 2 3 4। और यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। देखिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन के जो ऑल टोटल बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं 4। गिनिए आप, यहां देखिए इस कार्बन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4। यहां देखिए कार्बन दिख रहा है आपको, इसे देखिए पर चार बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो एक कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं, उसमें भी आपको बॉन्ड देखना पड़ता है कि दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सेट हाइड्रोकार्बन, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसेट हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड का एग्जांपल आपने देख लिया। अब यहां पर देखिए एक और दिखाते हैं आपको एग्जांपल हम ट्रिपल बॉन्ड का। देखिए यहां पर लिखा मैंने C3H6, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपीन, PROPEN, प्रोपीन। देखिए कैसे होता है, तीन कार्बन है, 1 2 और 3। देखिए ऐसे होता है, तीन कार्बन में एक बार आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़ेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका बिल्कुल मतलब नहीं बनता है यहां पर कि अगर तीन कार्बन है तो फिर हर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसा नहीं होता है। किसी भी मतलब अगर यहां पर तीन कार्बन है तो तीन कार्बन में कहीं पर भी आपको ट्रिपल बॉन्ड एक बार दिखाई देगा। ये नहीं कि हर बार कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही, मतलब कि यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड हो देखिए ऐसे और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो, ये गलत है। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड का मेरा मतलब क्या है कि जितने भी कार्बन है उन कार्बन में कहीं पर भी एक बार आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़ेगा। और अभी तो आपको बता रहे हैं यहां पर बेसिक पॉइंट्स, अभी जब पढ़ेंगे हम लोग IUPAC तो उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हम लोग अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए तीन कार्बन लगा दिया और यहां पर दिखाते हैं आपको हाइड्रोजन। देखिए आपसे मैंने कहा था ना कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहां पर देखिए तीन वैलेंसी हो चुकी है, 1 2 3, तो एक दिखा दिया मैंने यहां पर 4। यहां पर देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहां पर 4 वैलेंसी है, कैसे, 1 2 3 4। और यहां पर देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, केवल एक दिखाई दे रहा है, तीन बच गया, 1 2 और 3। अब देखिए यहां पर ओवरऑल काउंट करिए, ओवरऑल देखिए यहां पर कितने हैं कार्बन, यहां पर देखिए यहां से, सॉरी यहां पर डबल बॉन्ड था ना, चलिए 4 और यहां पर देखिए 4। अब यहां पर देखिए जैसे यहां पर ये भी हमारा डबल बॉन्ड का एग्जांपल था, प्रोपीन और एथिलीन। डबल बॉन्ड में इन आएगा, देखिए यहां पर 1 2 3 कार्बन थे, एक बार आपको डबल बॉन्ड लगाना है। यहां पर दो कार्बन थे तो यहां पर डबल बॉन्ड ऐसे आएगा, पर अगर तीन कार्बन है तो आपको डबल बॉन्ड एक ही बार लगाना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये नहीं कि आप यहां पर लगाए डबल बॉन्ड, यहां लगाए डबल बॉन्ड, केवल एक बार आपको डबल बॉन्ड यहां पर लगाना पड़ेगा। बाकी बैलेंस कर दीजिए, चार वैलेंसी होती है, दो बॉन्ड थे 3 4, यहां पर देखिए दो बॉन्ड यहां पर है, 3 4 4 बॉन्ड हो गए, यहां पर देखिए 1 2 3 4 चार बॉन्ड। तो ये हमारे देखिए दोनों एग्जांपल डबल बॉन्ड के थे। अब आपको इसके बाद से दो और आपको एग्जांपल दिखाते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले, इसे कॉपी करिए। चलिए अब देखिए यहां पर
अनसैट हाइड्रोकार्बन के ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर थर्ड यहाँ पर लिखा मैंने इथाइन, इथाइन। ओके अब देखिए इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। देखिए भाई कैसे बनता है, दो कार्बन है, दो कार्बन लगा दिए और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड में आयन आता है, अभी आपको बता देंगे प्रॉपरली, अभी तो खाली एग्जाम्पल दिखा रहे। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया, अब यहाँ पर कार्बन को बैलेंस करेंगे, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो यहाँ पर कितने हैं, 3 बॉन्ड है, एक यहाँ पर लग गया 4 हो गया और यहाँ पर हो गया 4। और देखिए आप जैसे ही बॉन्ड को आप बैलेंस करेंगे ना एक कार्बन की 4 वैलेंसी को, तो उतने ही हाइड्रोजन आएंगे जितने यहाँ पर फॉर्मूले में लिखे हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 और 1 4, इस कार्बन के पास कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 हो गए। ठीक है एक और देखिए पर एग्जांपल दिखाते हैं आपको, एग्जांपल नंबर 4 है यहाँ पर प्रोपाइन। यहाँ पर एक और देखिए एग्जांपल है प्रोपाइन का। अब देखिए प्रोपाइन का फॉर्मूला होता है C3 और H4 होता है। अब इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा, लेकिन 3 कार्बन है तो ये नहीं कि हर कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। ट्रिपल बॉन्ड का या डबल बॉन्ड का इस्तेमाल केवल एक ही बार होगा, चाहे कार्बन कितनी बार भी हो। यहाँ देखिए आप 3 कार्बन है, 1 2 और 3, 3 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं लगा दिया, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया यहाँ पर और यहाँ पर कितने हैं, 1 बॉन्ड। ठीक है अब इसको बैलेंस करते हैं, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, एक यहाँ पर दिख रहा है तो 2 3 4। यहाँ पर देखिए इसकी वैलेंसी पूरी 4 दिख रही है यहाँ पर, 1 2 3 4। ओके और यहाँ पर देखिए 4 हो, यहाँ पर 4 होना चाहिए ना, 1 2 3 और एक बच गया यहाँ पर 4। अब जहां जहां पे बॉन्ड लगाए वहां वहां पर आपको H लगाना है, बिकॉज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बन हो गया है। अब यहाँ पर क्या बच गया, हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 हाइड्रोजन 2 3 एंड 4। और देखिए यहाँ पर 4 लिखा था, उतने ही यहाँ पर आएंगे हाइड्रोजन जितने यहाँ पर आपने बैलेंस किए हैं। तो यहाँ तो देखिए पूरा कंप्लीट कर लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को आप दोबारा चाहे तो उसमें देख के देख सकते हैं। और इसके बाद से फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर आगे। थैंक यू।